नमस्ते दोस्तों टी आर एस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप आई फील कि मोस्टली मिलिट्री पॉडकास्ट में ना मैं यूजुअली मिलिट्री कॉलेज से इन पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूँ बट इन योर केस मेरे को ठंड से शुरुआत करनी है क्योंकि कोई बात नहीं इंग्लिश पॉडकास्ट से मुझे ये पता चला कि आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपने इंडिया में जे में भी सर्व किया अपने नॉर्थ ईस्ट में भी सर्व किया आपने अफ्रीका में भी सर्व किया और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम शायद ऑनलाइन कह भी नहीं सकते उन चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया यू आर अ पार्ट ऑफ क्लासिफाइड ऑपरेशन एज वेल इसलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं ठंड से करना चाहूंगा सर हाँ लाइफ में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ महसूस हुई है और क्यों ठंड <laughs> <laughs> कहाँ महसूस हुई है यार अगर मुझसे पूछोगे या मेरे साथ में जो लोग कमांड में रहे उनसे पूछोगे तो बोलेंगे कि है ना इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना ठंड से ना गर्मी से है ना ऐसा ही था एक्चुअल में भी जी मैं जब कमांड कर रहा था यूनिट में एज बटालियन कमांडर तो मेरा एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने सभी को बताया था शुरू में मैं कुछ भी हो जाए चाहे आप लोग मेरे को कभी ये रिक्वेस्ट मत करना कि पी और अपना फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दूँ नेवर ये रिक्वेस्ट कभी आनी नहीं चाहिए एंड फिर एक दिन मेरे पास में एजोडेंट आता है कह सर वो 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 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है मैं कितना कैसे माइनेस थर्टी फाइव थर्टी एट के बीच में रेंज कर रहा है मैं ठीक है पता लग गया थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन फिर उसके बाद में दूसरा अहदेदार आया फिर सूबेदार मेजर साहब आए फिर आखिर में टू आई सी आया पता तो मुझे था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं बट मैं तैयार नहीं था उस चीज़ को मानने के लिए क्या सब टेम्परेचर बहुत ठंडा हो रहा है मैं किसको इसको ठंड लग रही है बोलो सभी को साहब यूनिट में सब ट्रुप्स वगैरह सब बोल रहे हैं बहुत ठंडा है मैं फिर आई होप आप लोग ये नहीं कहना चाह रहे कि पीटी कैंसिल कर दें बोले पॉइंट तो यही है साहब ओके गुड कितनी देर करते हो पीटी टी बोला आठ से नौ मैं दो घंटे कर दो आठ से दस मैं इतने भी गर्म हो जाएगी बॉडी तुम <laughs> बोला यार ये आदमी तो उल्टा ही ले रहा है डेजर्ट <laughs> <laughs> की साहब थोड़ा ठंडा ज़्यादा है मैं साढ़े तीन घंटे तीन घंटे जितना चाहिए उतना कर देते हैं तो बोला भाई इसको समझ में नहीं आ रही देन फिर मैंने क्या किया टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा था पास में से इंडस रिवर निकलती थी बट इतना ठंडा था मैं सबको नदी के पास में लेके गया मैं तुम लोगों को स्पा में लेके चलता रहा हूँ फिर से स्पा में कहाँ पर मैं नेचुरल स्पा है होली डिप करते हैं मज़ा आएगा वहाँ जाके पहले शर्ट उतारी उसके बाद में वेस्ट उतारी और उसके बाद में जब लोगों को होली डिप दी उसके अंदर तो उसके बाद में जो चीखें आई और जो जो उस, मतलब निकले हैं ना उनके मुंह से शब्द आई कॉन्ट टेल यू दिल खोल के मतलब भावनाएं बाहर आई पहले उसमें गाली गलाव से मस्ती लेके सब कुछ था मैं सेम टू यू जो तुम मुझे बोलोगे सेम टू यू <laughs> एक गया दूसरा गया बट उसके बाद में माहौल ऐसा बनता गया उसके बाद में मेस पार्टी के बंदे थे वो भी आगे दौड़ गई सब मैं भी आ जाऊँ आ जाओ मोर दैन एक एक करके सबने ठंडे पानी के अंदर डिप लगाई यानी उसके बाद में देर आफ्टर कभी शिकायत नहीं आई कि सब ठंडा हो रहा है hmm. मैं जिसको ठंड लग रही है मुझे बता देना शर्ती इलाज है मेरे पास में <laughs> वो आखिरी दिन तैयार उसके बाद में ना कभी किसी ने मुझे नहीं कहा बट एक हमने बटालन फोटोग्राफ भी शूट किया था माइनस थर्टी एट डिग्री टेम्परेचर के अंदर ना कोई इनर पहना था ना कोई थर्मल वियर थी बिकॉज ठंड हो गर्मी हो ऑपरेशन चैलेंज ना आई फील इट इज़ ऑल द माइंड एटीट्यूड आप जैसा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि Hmm. जैसा सोचोगे ना वैसी होगी जैसे नज़ारे आप देखना चाहते हो नज़र वैसी रखो नज़ारे बनिए आप दिखेंगे सर पर <laughs> पर इन रियलिटी माइनस थर्टी एट डिग्री में क्या फील होता है लाइक फीलिंग लेस होते हो आप फीलिंग <laughs> होती नहीं है यार एंड okay. ठंड में सर्वाइवल इज नॉट ईजी गाड़ी अगर आपने ऑन करनी है नॉर्मल आदमी ठंड में शायद रात को एक बार भी नहीं उठता होगा वहाँ पे एक जवान को एमटी टी में मैंने चेक किया मैं कैसे करते हो आप लोग गाड़ी कितनी बार ऑन करते हो तो रात को पाँच से छः बार गाड़ी ऑन करनी पड़ती है एक एक डेढ़ घंटा गाड़ी को ऑन रखना पड़ता है नहीं तो गाड़ी आपकी सुबह स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी के नीचे जहाँ आपका फ्यूल टैंक होता है उसके नीचे तकरीबन चालीस से पैंतालीस मिनट आपको लगा के रखना पड़ता है स्टोव ताकि उसका जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाए फ्यूल ताकि आपकी गाड़ी चल सके ऐसी कंडीशन हैं अदरवाइज लोगों को क्या लगता है स्कूटर नहीं स्टार्ट हो रहा आपने थोड़ा सा टिल्ट किया एक एक मारी स्टार्ट हो गया बट वहाँ पे गाड़ी चलाना दूर की बात है सुबह गाड़ी चला सके उसके लिए पूरी रात में पाँच छः घंटे जग करके वो गाड़ी ऑन रखता है जवान सोता कब है सुबह भी ड्यूटी है पाँच छः बार उसको गाड़ी ऑन करनी है सर्वाइवल इज़ नॉट वेरी ईजी वहाँ पर पानी है आपके साथ से जा रहा है बट आपको फिर भी पानी नहीं मिल रहा है आई कैन शो यू द फोटोग्राफ जहाँ पे बकेट रखी है बकेट के ऊपर माई टूथ ब्रश है ना तेलकम एंड एवरी थिंग इज़ केप्ट एंड वो उसके नीचे नहीं जा रहा है आप ऐसी कंडीशन में आप रह रहे हो बर्फ है चारों तरफ आप इतनी बर्फ़ इकट्ठी करेंगे एंड उसमें से इतना सा पानी निकलेगा एंड जब आप गर्म करके निकालते हैं बिलीव मी उसका कोई टेस्ट नहीं होता आपकी प्यास ही नहीं भजती है सो ठंड में चैलेंजेस बहुत हैं बट मैं तभी तो बोलता हूँ इंडियन आर्मी जो है वो अपने आप में एक ब्रांड है और ज़बरदस्त ब्रांड है यू you नो know? आप मेरे को कहीं पे भी दिखाइए मैंने अपने अपोजिट देखें काउंटर पे अगर चाइना की बात करें उनके ट्रुप से उनके पास में हथियार ज़रूर होंगे बहुत अच्छे अच्छे वेपन होगा टेक्नोलॉजी होगी बट एक हिंदुस्तानी जवान और एक दूसरा चाइनीज़ जवान देर इज़ नो कंपेरिजन गुड़ और चने खा करके भी हमारे जवान लड़ते हैं दे नेवर कंप्लेन उनका जवान नहीं लड़ सकता मैंने उनको देखा है जिस तरह की गाड़ी में आते हैं बर्फ़ में जिस तरह के कपड़े पहनते हैं इक्विपमेंट पहनते हैं आप उसको ठंड में खड़ा करके देखो दो मिनट में यहाँ पे एक सरकारी इशू वाला जो कोट मिलता है उसके अंदर बहुत खुश है जवान ठीक है और पूरी हिम्मत से बिल्कुल मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करता है उसी माहौल में मैं किसी दूसरी कंट्री का अगर खड़ा कर दूँ हिल जाएगा नहीं कर पाएगा ये हिंदुस्तानी फौजी है जो कर लेता है खुश रहता है उसके बावजूद भी जब भी पूछो तो बड़े चार्जअप रहता है और हमेशा बोलता है मेरा देश मेरी फौज नाम नमक निशान ये तीन वर्ड हैं छोटे से इसके लिए कर जाते हैं लोग तो ठंड वर्न मायने नहीं रखती खुश होकर जाते हैं लोग आपका दिमाग कैसे बदलता है ऐसे एक्सपीरियंस के बाद आप कैसे बदलते हो एज अ मैन यार हमेशा पॉजिटिव सेंस में बदलते देखा है मैंने जब आप देखते हो ना चैलेंजेस और तो लोगों को देखते हो उसमें भी खुश है है ना जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी सिचुएशन है जहाँ पे आप गए आपके पास खाना कम है उदाहरण के तौर पर अगर मैं तो मान लीजिए चार लोग हैं चार लोग हैं और एक रोटी का टुकड़ा है सर आपके पास में भूख तो सभी को बराबर लगी हुई है थके भी उतने ही हुए आपने उतना ही किया बट उम्र के लिहाज के हिसाब से हमेशा ये देखते हैं फौज की सिखलाई ये कहती है कि अगर सबसे छोटा है चार टुकड़े करोगे तो सबसे बड़ा टुकड़ा उसके पास जाना चाहिए जो सबसे जूनियर है और पहले उसके पास जाना चाहिए अगर ज़्यादा किसी को जरूरत है तो सीनियर आदमी ये भी बोलेगा कि भाई मुझे भूख नहीं है मैं खा कर के आऊँ बिल्कुल भी भूख नहीं लगी दो इससे दिए जाएँ बट जूनियर को दिए जाएँ हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही देखा है मैंने किसी एक को गोली लगती है ना तो वो जो फीलिंग आती है वेंजेंस की कि भैया छोड़ेंगे नहीं किसी एक को लगती है तकलीफ दूसरे को होती है नहीं तो मैंने बहुत मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ मैंने सिविल में देखा है आदमी को एक्सीडेंट से चोट खाते हुए दिल्ली में अलग अलग प्लेसेस में जहाँ सात से गाड़ी निकाल के गए हैं लोग लेकिन किसी ने रोक के मदद नहीं करी मैं रात को वहाँ पर रुका हूँ उसको उठाया हॉस्पिटल लेके गया हूँ आपको जी स्टेटमेंट देने आना पड़ेगा मैं तो भाई जहाँ बुलाना है उधर बुलाना है फिलहाल इसको ट्रीटमेंट दो दूसरे की तकलीफ आप महसूस करते हो ना ये फौज सिखाती है आपको कि आदमी दूसरे के घर में कुछ अच्छा होता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं किसी एक को तकलीफ होती है दस लोग है ना मायूस होते हैं उस तकलीफ को शेयर करते हैं टी आर एस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों लव टू यू ऑल नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को यानी पूरे एपिसोड को उसके नीचे हमने लिंक किया है एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा